ये चेक करें जरा, खुशी मनाने के अपने अपने रंग इनको, ये भी कॉन्सेप्ट है, जंपिंग कॉन्सेप्ट है। इससे मैंने इनको देखा कि 10-10 फुट की जंपे लगा लेते हैं लोग ना, ये जंप लगा के इसको स्प्रिंग टाइप कोई चीज है, शौक सा बना हुआ है। बुसान पहुंचते ही जनाब यहाँ पे लिफ्टर वाला अमला मौजूद था, उन्होंने मुझे जनाब यहाँ से फैसिलिटेट किया और मैं ज़मीन पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म खूबसूरत हैं, सफाई का इंतज़ाम भी अच्छे हैं, सफाई के अच्छे इंतज़ाम हैं और यहाँ की फ़ज़ा बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी फ़ज़ा है। यानी शायद इस वजह से है कि समुंदर है ना चारों तरफ इसके, इस वजह से शायद फ़ज़ा इसकी बहुत खूबसूरत है और प्लेटफॉर्म भी साफ़ सुथरे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है गंद मचाने का शायद। और ये ब्रेल ब्लॉक्स भी मौजूद हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, आप येलो कलर की अगर पट्टी देख सकें। और ये जनाब बुसान शहर में के मेन स्टेशन पे मैं पहुंच गया। रेलवे स्टेशन खूबसूरत है, प्यारी सी फ़ज़ा है, छत ऊंची है, बहुत सारे पैसे नहीं लगाए हुए इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर, लेकिन जो बनाया साफ़ सुथरा बनाया। मेरा जो होस्ट था वो चूँकि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइज़र ने मेरे लिए ये रैंप वाली गाड़ी भेजी हुई थी। ये बुसान सिटी से गुज़रते गुज़रते अब मुझे अपने होटल में जाना था और मेरा होटल बिल्कुल साहिल समुंदर पे था। हंडाए एक साहिल है, स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ मेरा होटल था जहाँ मुझे स्टे करना था अगले 6-7 दिन। पहाड़ों और छोटे छोटे मैदानों, वादियों और साहिलों का कम्बिनेशन है ये ना बुसान। फ़िज़ा बहुत प्यारी थी, गर्मी थी, यहाँ पे गर्मी तो थी लेकिन आसमान नीला और ख़ूबसूरत बादल और सड़कें भी साफ़ हैं, अच्छी हैं। और ये मैप से मैं देख रहा था मुझे कितनी दूर आगे जाना है। छोटे छोटे दरिया, नहरें शहर के दरमियान से गुज़रती हैं जो इसके हुस्न को दुबाला कर देती हैं। ये जनाब हुंडई बीच का वो रास्ता है, मेरे सामने बिल्कुल समुंदर था और मेरे राइट साइड पे मेरा होटल जहाँ मुझे स्टे करना था। दोनों तरफ में सड़कें हैं, दरमियान में वॉकिंग फुटपाथ, बहुत चौड़ा सा, चौड़ाई में एक पेडेस्ट्रियन वे है जिसे आप देख सकते हैं, लोग इस्तेमाल करें। बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि आप यानी कि गाड़ियों के लिए छोटे रास्ते हैं, पैदल चलने वालों के लिए वाफर जगह है जहाँ पे वो आसानी से मूव कर सकें। ये जनाब पकाने वाला भी इतने फिरंदे है, तो मुख्तलिफ फूड चेन और हर तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट थे। और यहाँ पे फिर मुझे मिल गया पाकिस्तानी, इंडियन और कोरियन रेस्टोरेंट। इन्होंने क्या किया हुआ है कि पाकिस्तान, इंडिया और कोरिया के तीनों झंडों को मिक्स करके अपना लोगो बनाया हुआ है। और ये देखें आप, ये तीनों झंडे मिक्स हैं और ये रेस्टोरेंट था। मैं सोचता रहा कि अपने मुल्क से, मेरे लाहौर शहर से दिल्ली शायद 6 घंटे की मुसाफत पे है गाड़ी पे और बाई एयर शायद 1.5 घंटा लग जाता है, और मेरे घर से इंडिया की तरफ का जो इलाका है वो ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा दूर है बाई रोड। लेकिन कहाँ पर जाकर, किस दूर मुल्क में जाकर हमारे शहरियों को इकट्ठे काम करना पड़ता है। काश के हमारे ममालिक के अंदर भी अच्छी सी दोस्ती हो
और मिलके ये आपस में अपने तनाजात तय करके अच्छी सी तरक्की करें। हमारी लड़ाई से हमेशा दूसरे मुल्क ही डेवलप होते हैं। बहरहाल ये सियासी बातें हो जाएंगी। डड्डू चेक करो साहब जी, डड्डू साहब सिंबल है जी, 2030 इंटरनेशनल एग्जीबिशन होनी है यहाँ पे एक डड्डू ऐसा कोरिया में, उसकी प्रेपरेशन है। बुसान में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। सड़कों पे जगह जगह गर्मी से बचाव के लिए ये भाप तो नहीं है, ये की कहोंगे इनू यार, फुहार नहीं होंगी ठंडे पानी की, फुहार आए हाय हाय, फुहार पाते फुहार कहें की कहें पता नहीं की कहें। बहरहाल फुहार का इंतजाम किया, अब बंदे ठंडे करने का एक तरीका, डड्डू भी ठंडा हो रहा है, पता नहीं कितना कुंदा। बहरहाल पानी पै पै के वो माशाल्लाह सेहतमंद हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हर कौम के लोग आपको नज़र आएंगे और लोग खुश हैं, एक दूसरे पे फजीलत नहीं है, सारे बराबर हैं, गोरे काले हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे और बराबर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, जगह जगह जहाँ पे भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे ये इन्होंने लोगों को कूल करने के लिए ये इंतज़ाम किया हुआ है। स्टीम तो नहीं है, स्टीम तो गर्म होती, कोई ठंडे फुहार है पानी दी, सही है। ये अधे अधे नंगे लोग आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि साहिल करीब है, ठीक है। ये नंगे लोग, आधे आधे नंगे लोग जो हैं, ये इस चीज़ का सिंबल होते हैं कि करीब ही कहीं समुंदर है। और अंदाज़ा हमारा बिल्कुल ठीक निकला, वो सामने पास ही समुंदर आ गया जी। छोटा या साहिल है लेकिन साफ सुथरा यार, सफाई जो किन्ने के पैसे लग जाते। वैसे ये देखो प्यारा सा समुंदर है, एक्सेसिबल, एक व्हीलचेयर यूज़र भी आराम से मूव कर सकते हैं, हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे। ये चेक करें ज़रा, समुंदर से बाहर निकलें तो ये राइट साइड पे जो केबन बना हुआ है ना, हथे पा जी आओ तुसी, ये ब्लाइंड लोगों के लिए पाथवे हैं, ये इन केबन्स के अंदर जाएं और अच्छी तरह नहा धो के रेत रूत हथी चार जुड़ के फिर तुसी जाओ अपने होटलों, वरना तो ये होटल रेत से भर जाएं। ये सफाई का इंतज़ाम है, साहिल पे रेत को लोगों के पाँव से जो लग के आती है साथ साथ साफ करते हैं। और लोग की खुश नहीं आ रहे थे, टूरिस्ट प्लेस जो होती है ना उसकी एक फील होती है ना, लोग यहाँ पे हैप्पी हैं, आसान लम्हे चुरा रहे हैं ज़िंदगी के। ये थोड़ा सा रास्ता इन्होंने व्हीलचेयर यूज़र के लिए भी बनाया हुआ है कि मैक्सिमम वो साहिल के कितने करीब जा सकें, तो यहाँ तक हम जा सकते हैं क्योंकि फिर शाम को समुंदर यहाँ तक आ जाता है। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि साहिल पे एक रास्ता ऐसा बना दिया जाए जहाँ पे व्हीलचेयर यूज़र या पैदल चलने वाले, रेत से जिनको एलर्जी हो वो चलकर भी समुंदर के करीब आ सके। ये खूबसूरत होटल्स मारते हैं, छोटा सा ये भी है, यानी कि छोटा सा साहिल है, दो तीन पहाड़ करीब हैं और इनके दरमियान ये इतनी सी जगह, ये देखें तो देखो साजी की मोल पाया है इन्होंने, तो साडा कराची ओए होए होए होए, मैं कहना हुए सौ समुंदर बन सकते। ये चेक करें ज़रा, खुशी मनाने के अपने अपने रंग इनको, ये भी कॉन्सेप्ट है, जंपिंग कॉन्सेप्ट है। इससे मैंने इनको देखा कि 10-10 फुट की जंपें लगा लेते हैं लोग ना, ये जंप लगा के इसको स्प्रिंग टाइप कोई चीज़ है, शौक सा बना हुआ है, तो ये भी यूज़ करते हैं लोग। हमारते हैं ऐसी कि इनके की खूबसूरती सूरज ग़ुरूब होते ही ज़्यादा बन जाती है, ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और सूरज का ग़ुरूब होना भी यहाँ पे खूबसूरती को मज़ीद रंगीन कर देता है। आसमान पे ऐसे जैसे किसी ने रंग उंडेल दिए हैं और मैं शाम तलाश करने की कोशिश में और कुछ यादें बुनने की कोशिश में समुंदर को देख रहा था, और देखते देखते फिर शाम ढल गई,
शाम में डलना ही होता है, शाम डलने के लिए होती है। उस्ताद जी भुख भी बड़ी लग गई कि उस्ताद जी लोरिए नूं लगी भुख जरिए वो कमाल होंदी। लो जी फिर आखिरी नज़र पा के साहिल ते, उस तो बाद मैं सोचिया कि निकला इत्थों और जाके खुराक वल ध्यान दिए। ये जनाब खुराक जो है, खाने जो हैं वो मछलियाँ जिंदा, यहाँ पे कोई फिश और बहुत सारे सी फूड और बहुत सारे खाने यहाँ पे। लेकिन मसला ये कि सी फूड के अंदर भी जिस तेल में फ्राई किया जाता है वो उसमें पिग ऑयल भी होता है और फैट्स भी यूज़ की जाती हैं, भी इस तरह की मसाले शसाले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जगह पे जाके ना बड़ी मुश्किल से ना मुझे एक एरिया नज़र आया जहाँ पे वो ममतू नहीं होते ममतू, उस तरह के बने हुए थे और श्रिम्प के साथ बना रहे थे। श्रिम्प के साथ बन रहे थे, मैं आ उस्ताद जी हैं तो श्रिम्प तो खा ली तो होंगे, सी फूड होंगी है देखो। और मैंने उन्होंने कह दिया जी ये श्रिम्प वाले ये ममतू दे दे मुझे एक प्लेट। और लेकिन बाद चो मैं सोचा उस्ताद जी एक बार कन्फर्म कर लो, बीच कुछ और तो नहीं पाया इन्हें। तो फिर मैंने कन्फर्म किया तो पता चला जनाब इसके अंदर भी थोड़ी सी हराम चीज़ें हैं। तो फिर मुझे ऑर्डर कैंसिल करके आगे बढ़ना पड़ा और मछलियों को अकेला छोड़ के मैं आगे चल पड़ा। ये जो हंडाए बीच का एरिया है ये रात को अपनी ही एक दुनिया बसा लेता है। दिन के टाइम यहाँ पे कोई इतना, दिन को भी रश होता है लेकिन रात यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और लोग यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं और आखिरकार फिर इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ही जाके ब्रेकें लगाना पड़े। ओए होए होए जी तस्वीर है ना उस्ताद जी, इन्हें कोई समझ ले ना, एक लोगों के बीच तीन मुल्कों का झंडा। ये भी फूड जो है ये खाने के काबिल थी, फिश केक था, राइस के बने हुए ये बाहर थे, ये चावल के बने होते, चावल नहीं कूटे के पा जी पूरे बने, बीच मसाला पाया रे चुकी से किसी का पोर्क नहीं है। हम सर ने कन्फर्म किया अच्छे तरीके ना, ये हलाल था। और उसके बाद गाना सुनो बस।